हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं सारिका आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही आसान तरीका घी बनाने का, आपके कम से कम बर्तन यूज़ होने वाले इस वीडियो को देख कर। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने लिए 5 दिन की स्टोर करी मिलाई और ये है दही। दही हम इस मिलाई में डाल देंगे जिससे ये मिलाई जम जाएगी। आपको 2 से 3 चम्मच डालना है इस मिलाई में दही को। जब भी आप मिलाई स्टोर करेंगे तो आप उसी बर्तन में आप दही डालिएगा, तो मैं भी उसी बर्तन में डाल रही हूँ। मैंने अभी डायरेक्ट फ्रिज से निकाला है और मैंने दही डाल दिया मिलाई में। आप इस मिलाई में डाल कर इसे आप अच्छे से मिक्स कर दीजिए और ढक के 12 घंटे के लिए रख दीजिए। 12 घंटे बाद ये जो मिलाई है वो जम चुकी होगी, उसके बाद हम इसका मक्खन बनाएंगे। तो आप ऐसे मिक्स करके अच्छे से इसे रख दीजिए ढक के। सुबह आप देखेंगे कि ये जम चुकी है और अब हम इसका मक्खन बनाने वाले हैं। मक्खन बनाने के लिए आपको ये मखनी चाहिए होगी और इसे आप डाल दीजिए और आप इतना फेंटिए कि मक्खन अलग हो जाए और छाछ अलग हो जाए। तो देखिए आप 2-3 मिनट बाद ही ये मक्खन बनना शुरू हो जाएगा। अभी तो ये 1 मिनट भी नहीं हुआ है और दानेदार मक्खन निकलना शुरू हो गया है। ना मैंने अभी पानी डाला है क्योंकि जून का महीना है तो बहुत ही इजीली बन जाता है। आप जितना पानी वानी डालेंगे उतना ही आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैं इस टाइप से बनाती हूँ बहुत सालों से और ईज़िली बन जाता है, इसलिए मैंने ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इस टाइप से भी इसको वो कर सकते हैं, फेंट सकते हैं और आप इसे ऐसे फेंटें और जिससे देखिए मक्खन पूरा इकट्ठा हो गया है। हमें यही इस टाइप का मक्खन चाहिए था, इसी से घी बनता है। तो पूरा इकट्ठा हो गया, अब हम इसे एल्युमिनियम की भगोनी में डाल रहे हैं। आप चाहें तो स्टील में भी डाल सकते हैं क्योंकि एल्युमिनियम इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो आप प्लीज़ स्टील में ही बनाइएगा। अब आप सारा मक्खन इसमें डाल दीजिए भगोनी में और छाछ की आप कढ़ी भी बना सकते हैं। मेरे घर में तो बनती है, आप भी ट्राई कीजिए बना के। अब सारा मक्खन आप इस डेगची में डाल दीजिए और 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिए। फ्रिज में इससे निकालते ही हम डायरेक्ट फ्लेम पे रखेंगे और हाई फ्लेम रखना है आपको। हाई फ्लेम रखने से ये होगा इसमें जितना भी थोड़ा बहुत भी अगर पानी बचेगा वो सारा बहुत ही जल्दी उड़ जाता है। तो आप इसे रख दीजिए और आप देखेंगे 1 मिनट के अंदर ही ये पिघलना शुरू हो जाएगा क्योंकि हाई फ्लेम है। आप ये मथनी को अभी मत निकालिए, ऑटोमेटिकली जब ये पिघलना शुरू हो जाएगा तो ये पिघल जाएगी सारा मक्खन। थोड़ी देर बाद ही आप देखेंगे कि सारा ये पिघल गया है, उसके बाद ही आप इस मथनी को निकाल दीजिए। जब आपको इस टाइप का मक्खन दिखने लगेगा बॉयल होते हुए तो आप समझ जाइए अब घी बनने वाला है, इसलिए आप इधर उधर मत जाइएगा नहीं तो जल भी सकता है। अब देखिए घी बनना शुरू हो गया, आपको घी दिखाई भी दे रहा होगा पर अभी भी थोड़ा और बाकी है बनना। जब तक ये पिंक कलर का नहीं हो जाएगा, थोड़ा सा रेडिश टाइप का, जब तक इसे आपको पकाना है। आप ऐसे हिलाते रहिए थोड़ी देर के लिए। इसी बीच आप इसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। नमक डालने से ये होता है ये थोड़ा सा घी ज़्यादा दिन तक अच्छा रहता है अगर आप स्टोर कर रहे हैं। इसके पिंक कलर का हो गया, अब आप गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए और इसे आप साइड में रख दीजिए। और उसके बाद हम इसे एक बाउल में छन्नी में डाल के ऐसे सारा घी निकाल देंगे। देखिए आप लेफ्ट ओवर कितना कम बचा हुआ है। जो भी ये ब्राउन कलर का मटेरियल है, जो मक्खन है, वो लास्ट में काफ़ी कम बचा है। और सारे जितने भी वीडियो मैंने देखे उसमें बहुत ज़्यादा बचा रहता है। तो ये वाला प्रोसेस आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और घी जब भी आप निकालें, बच्चे हैं अगर आपके घर में तो प्लीज़ आप लास्ट में इस टाइप से ज़रूर रख दीजिएगा। तो ये ठंडा हो जाता है बहुत ही जल्दी और आप फिर उसके बाद आप बॉटल में भर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।